में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे MNS News Live चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। पति के अवैध संबंध से परेशान महिला ने सल्फास खाकर दे दी जान, पति और उसकी प्रेमिका की तलाश में पुलिस। यह घटना दिल्ली की दर्शाई जा रही है। मिली जानकारियों में यह खबर जालंधर गांव से सामने आई हुई है। यहां दो बच्चों की एक मां ने सल्फास खाकर अपनी जान ही दी। मिली जानकारियों में उसका पति किसी लड़की से नाजायज संबंध रखने वाले पति से दुखी होकर महिला ने यह कदम उठाया है। मृतका की पहचान मीना कुमारी के रूप में की गई है। वहीं पति का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दूसरी खबर सामने आ रही है, महिला प्रेमिका के घर में घुसा युवक परिजनों ने पेड़ से बांधकर की जमकर पिटाई। यह घटना दिल्ली की दर्शाई जा रही है। प्रेम के बीच दीवार बनाने वाले पहले भी कम नहीं थे और आज भी कम नहीं है। एक महिला से उसके घर में मिलने युवक के साथ लोगों ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर यकीन नहीं होता। महिला के घर वालों ने युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। वहीं महिला को बाल पकड़कर पीटा गया है और इसी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तीसरी खबर सामने आ रही है, लखनऊ में दुष्कर्म की शिकार नाबालिग बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश। लखनऊ में शनिवार दोपहर को कथित तौर पर अपनी ही माँ के सामने ही उसका बलात्कार किया गया, जबकि उसकी माँ गूंगी और बहरी दर्शाई जा रही है। बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह जानकारी पुलिस के मुताबिक पता चली है। किंग जोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी में पता चला है कि पीड़िता ने पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार पीड़िता पर हमला शनिवार की दोपहर को तब हुआ जब उसके पिता काम से बाहर गए हुए थे और उसकी मां छत पर गई हुई थी। इसी दौरान निजी कंपनी में काम करने वाला 3 बच्चे के बाप ने उसका हैवानियत से बलात्कार किया। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए बने रहिए MNS News के साथ। नमस्कार।